यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनसे बात करेंगे। एक तरफ जहां अखिलेश जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा है कि हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? इसके पहले नहीं लड़ते थे ना? जैसा आप कह रहे हैं कि अब लड़ेंगे, इसका मतलब पहले नहीं लड़ते थे। समाजवादी पार्टी प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया, जग जाहिर है। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने ही आदेश दिया था कि 27% जो पिछड़े समाज को आरक्षण मिलता है उसकी 12 जातियां लाभकारी ले रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए। तब तो इनको याद नहीं आया कि शेष जातियां 38% जो अति पिछड़ा है उसको हम बांट दें, इसको भी आरक्षण मिले। इसको प्रेसवार्ता में नहीं बताए, बताना चाहिए था। जब राजनीतिक भागीदारी देनी होती है तब अति पिछड़ों को टिकट नहीं देंगे, तब नहीं दिखाई देगा। आवाज कह रहे हैं कि अब हम लड़ेंगे, इसका मतलब कि पहले नहीं लड़ते थे। उन्हीं की बात अगर आप जिस तरह कह रहे हैं तो पहले नहीं लड़ते थे, अब लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार ने तो कमेटी बना दी है, आयोग बना दिया है, उसके लिए जो है आदमी भी नियुक्त कर दिए गए। देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय आप समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, हम सरकार से कहेंगे कि जो पिछली बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आपने तैयार कराई है माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, उस रिपोर्ट का आप भी परीक्षण करा लो, उसी में सबमिट कर लो, परीक्षण करा लो और इसको भी लागू कर दो। और नहीं तो हमने तो देखा है काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ 1953 में, फिर मंडल आयोग का गठन हुआ, फिर हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में गठन हुआ, फिर राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में गठन हुआ, रोहिणी आयोग गठन कमेटी गठित हुई, इतना आयोग पर आयोग, आयोग पर आयोग गठन हो रहा है, लेकिन अति पिछड़ों को न्याय कहाँ मिल रहा है? लेकिन अब तो आप भी आवाज़ उठाने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला निकाय चुनाव में और कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया, अब सब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम तो 6 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, आज कोई नया थोड़ो। आपने देखा, जब मैं मिनिस्टर था तब भी इसी बात को लड़ रहे थे, इस्तीफा दिया इसी बात को, सदन में इसी बात को लेकर लड़ते रहे, सड़क से लेकर सड़क तक आप लोगों को बुला के इसी बात से लड़ते रहे। हमारी तो लड़ाइया वही है कि हिस्सा चाहिए, हक चाहिए। अब वो गयल कि चंदा मामा यारे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरिया में दूध भात लेले आवा बच्ची के मुहमा घुटू गयल जवाना, अब हिस्सा चाही, अब सबके जगा दे ले हिला। अब सहारनपुर में बैठा हुआ कश्यप कह रहा कि हमको हिस्सा चाहिए, बलिया में बैठा हुआ बंजारा कह रहा है, नाई कह रहा है, गोड़ कह रहा है, पाल कह रहा है, प्रजापति कह रहा है, राजभर कह रहा है, चौहान कह रहा है कि हमऊ के चाही, बिंद के वट मल्ला बैठा हुआ इलाहाबाद में वो ललका रहा था, चारों तरफ ललकाई ललकारा शुरू है। लेकिन ये तो मांग सब लोग कहते रहे कि ओबीसी का जो पिछली सरकारें रही है उन्होंने कहा कि हमने हिस्सा दिया है। कहाँ दिया है? दिया होता तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करते, अगर दिया होता तो जो कोर्ट ने फैसला दिया था, जैसे आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सत्ता में नहीं है इस नाते प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सत्ता में थे तो प्रेस वार्ता करना चाहिए था कि इस हाई कोर्ट का फैसला जो आया हम उसका स्वागत करते हैं, हम 6 महीने के अंदर कमेटी गठित करके हम सबको न्याय देने का काम करेंगे, उस समय नहीं किया। बिल्कुल, ये थे ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने हिंदी खबर से बात की। इनका साफ कहना है कि ओबीसी आरक्षण के हक को दिला के रहेंगे, ये भी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश भी कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब दिया है कि वो भी कहीं ना कहीं उनको हक दिलाकर रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ।